हेलो डियर फ्रेंड्स सो अभी दोस्तों इम्पॉर्टेंट अपडेट है दैट इज मैसेज टू ऑल बाय मिस्टर सी जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉ एसोसिएशन के तो उनकी तरफ से जो तो हाल ही में दोस्तों अभी न्यूज़ अपडेट आई है वो अभी हम शेयर करेंगे एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द डिस्कशन विद आई एंड मैनेजमेंट वो एग्जैक्ट अपडेट है क्या वीन सी दैट इन दिस वीडियो सो गाय उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो ये छोटे छोटे जेस्र आप लोगों के हमें बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं फॉर मेकिंग द वीडियोज एंड टेकिंग द अपडेट्स विद यू ऑल माई फ्रेंड्स तो यहाँ पे एग्जैक्टली exactly अभी जो दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्सटीन ऑफ नवम्बर टू का जो सर्कुलर है जो हमारे मिस्टर सी एच भी हैं उन्होंने अभी साझा करा है विद ऑल अवर फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखें अगर आप सर्कल नंबर ट्वेंटी एट फोर नाइन्टी फाइव टू जीरो ट्वेंटी टू बाई सिक्सटी सिक्स सिक्सटीन नवम्बर का टू ऑल यूनियंस एंड मेम्बर्स डियर कॉमरेड्स आवर कॉल फॉर ऑल इंडिया स्ट्राइक ऑन नाइनटीन ऑफ नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू डिस्कशन विद आई बी एंड मैनेजमेंट्स आउटकम नॉट सेटिस्फैक्ट्री Go ahead with the strike. So, in our latest circular number 63 dated 10th November, we had informed our units and members about the proceedings before this Chief Labour Commissioner held at Delhi on 10th November. So, in this meeting, the CLC advised IBA to hold further bilateral discussions with the IBA to find amicable solutions. So, accordingly, IBA invited AIBA for a discussion at Mumbai today. फ्रॉम ए आई बी ए कॉमरेड राजनगर कॉमरेड सी एच वी कॉमरेड बी एस राम बाबू कॉमरेड नंदा कुमार चवन तो यहाँ मीटिंग पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अवर यूनियंस इन सिटी बैंक एंड एमयूएफ जी बैंक सो बिसाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आई बी ए मिस्टर गोपाल मुरली भगत डेप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मिस्टर ब्राजेश्वर शर्मा

The decisions in violation of the existing provisions of bilateral settlement in some of the banks and the attacks on jobs and job security and vindictive actions in some other banks. So we stated in the wake of these attacks, AIBA has no alternative than to express its protest through our agitational program and strike action. So management of the banks submitted their viewpoints points. Despite our suggestion that any change or addition to the provision of BPS can be mutually worked out, so they could not give any categorical assurance that they will retest their decision on outsourcing, rotational transfer of employees, adherence of disciplinary action procedure, and trade union offer representation, job security, etc., and avoid by the provision of a

उनकी तरफ से जो हाल ही में दोस्तों लेटर उन्होंने इशू करा है सर्कुलर इशू करा है दैट वी हैव शेयर्ड विद ऑल माय फ्रेंड्स दोस्तों